नमस्कार मणि भोज को स्वागत मुझे प्रथम देखने बा हेडलाइंस चढ़ुची पारद बढ़ुची ताती राज्यर विभिन्न स्थान में 38 डिग्री ऊपर तापमात्रा दिन 10टा पर घर बाहर मुश्किल आगो को आहुरी 3-4 डिग्री बढ़िबो तापमात्रा घर बाहर को गले सतर्कता अपनेबाकु लोकों परामर्श बाली माफिया बर्बर कांड जलेश्वर तहसिलदार आरआई को मरणतक आक्रमण आरआई गोड़ उपरे डंफर चढ़ाइले दुर्बृत्त घटनास्थल ड्राइवर हेल्पर फेरा राज्य सरकार को ओबीसी कार्ड रो पोल खोलिले धर्मेन्द्र प्रधान कहिले दया नुहे यहा समानों अधिकार पूर्वर अच्छी तालिका कहीं 27% संरक्षण देना सरकार केन्द्र मंत्री कथा को समर्थन कला कांग्रेस जवाब रखला बीजेडी केन्द्रापड़े हे 50,000 कोटी स्टील प्लांट केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अनुरोध पर ओडिशा आसिले मित्तल 12 नियुत टन क्षमता विशिष्ट इस्पात कारखाना निर्माण कर आर्सेल मित्तल फ्रंटफुट्रे बिजेडी दागी मंत्री अरुण एवं प्रताप मौन थिबा मंत्री आचरण और उच्चारण को नहीं उठिला प्रश्न राजनीति समीक्षकों मत शुणी चढ़ावा पूर्व हाइकमाण पीएम किसान पॉलिटिक्स रे नुआ ट्विस्ट लेखु लेखु सत ओगाळी देले राज्य सरकार केन्द्र को भूल तथ्य देथिबा मानिले निज अपरागता लुचाइबा को केन्द्र कोर्ट को बॉल फिंगिले कृषि मंत्री अरुण साहू विकास रो मॉडल रे अटकी गला स्वास्थ्य सेवा रो सुनेली स्वप्न घोषणा रो 1.5 मास न पुरुणु वेदांत मेडिकल पुनच्छेद कलाहांडी रो स्थिति को ने काठगोडा रे राज्य सरकार एवं आज प्रभात पुरुष विजु बाबू जन्म जयंती 15 दिन धरी राज्यव्यापी पालन करिबो बीजेडी आज नवीन पटनायक बीजेडी सरकार को पूरी 20 वर्ष मुहूर्त को स्मरणीय करने को दल पक्ष व्यापक आयोजन मार्च आरंभ उपर मुहां पारद पूरा राज्य एवं ततला कड़े छटफट होता बेले दैत्य नगरीर अवस्था सांघातिक रही दिन आरंभ तापमात्रा एत मात्र वृद्धि पाचे 10टा पर घर बाहर को बाहर एक प्रकार मुस्किल हो पड़े गत काली राजधानी सर्वोच्च तापमात्रा 37.0 डिग्री सेलसीयस रही बेले कटक तापमात्रा 36.5 डिग्री सेलसीयस रही से राज्य अन्य स्थानगुड़िकर तापमात्रा 38 डिग्री ऊपर रही पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिले आगक राज्य में पाग प्रायतः सुखिला रपम्रा आहरी 3-4 डिग्री वृद्धि होपाग विशेषज्ञ कहते अर्ली मॉर्निंग्स आवर्स में मेनली सेलेक्ट टू मॉडरेट फॉग कोस्टल विशाखा मेनली बालासोर भद्रक केन्द्रपड़ा जगत सिंहपुर कटक खुर्धा गंजाम पुरी ये सब डिस्ट्रिक्ट इलाका अंदर में एक दो जगह करके हो सकता है और अभी टेम्परेचर जो है डे टेम्परेचर व मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर अगला 2-3 दिन में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा बट 2-3 दिन का बाद स्लाइट इंक्रीज कुछ कुछ जगह में मैक्सिमम टेम्परेचर में होने का चांसेस है बट कुल में लेकर के जो है अभी मैक्सिमम टेम्परेचर अगला 5 दिन ही हमारा उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में अबव नॉर्मल स्वाभाविक से 2-3 डिग्री ज्यादा रहेगा भाव में पाणीपाग विशेषज्ञ पक्ष जहाँ सूचना आसूची मार्च आरंभ उपरमुहाँ हो पारद पूरा राज्य अबे ततला कड़े छटपट होता बेले दैत्य नगर अवस्था सांघातिक रही दिन आरंभ तापमात्रा एत मात्र वृद्धि पाचे 10टा पर घर बाहर ट्विन सिटीवासी एक प्रकार मुस्किल हो पड़ी तेज गत काली राजधानी सर्वोच्च तापमात्रा 37.0 डिग्री सेलसीयस रही बेले कटक तापमात्रा 36.5 डिग्री सेलसीयस रही सेपरि राज्यर अन्य स्थानगुड़िकरे तापमात्रा 38 डिग्री ऊपर रहिथिबा पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली आगकु राज्य में पाग प्रायतः सुखिला रहिबो तापमात्रा आहुरी 3-4 डिग्री वृद्धि हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ जहाँ सूचना दौथिले ताहा मध्ये आपण सुनथले तेज चढ़ुची पारद बढ़ुची ताती राज्यर विभिन्न स्थान में 38 डिग्री ऊपर तापमात्रा रही दिन 10टा पर घर बाहर एक प्रकार मुस्किल हो पड़ी तेज गत काल चित्र देखी थे जो भाई भाव में सका एक प्रकार कुहुड़ी आश्रय ना कि आज तार दृश्य देखा मिले तेज संपर्क अधिक आलोचना करवा आम सहित भुवनेश्वर सीधा सड़क योजना प्रतिनिधि कविता स्वाई कविता जो भाव में पारद एक प्रकार बढ़ुची अर्थात ताती बढ़ुची तेज आज तापमात्रा केते रोजदिक बा भुवनेश्वर एवं अन्य पके केउ केउ जिल्ला को अलर्ट करा जाय छे न्यू खबर देखि जे कि
ବଢି ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ଗରମ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା, କଲବଲ ହେଉଥିଲେ ଲୋକ, କାହିଁକି ନା ଗରମର ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ରହୁଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ପୁଣି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି କବିତା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, କବିତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ କି ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ଏବଂ ତାପରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଅଧିକା ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ବିସ୍ମି, ଯଦି ପୂର୍ବ କଥା କହିବା, 2ରୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବ କଥା ଯଦି କହିବା କି ତାତି ଏତେ ରହିଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, 40 ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଛୁଇଁଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଖରା ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କୁହୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ବର୍ଷ କୁହୁଡ଼ି ଅଧିକ ରହିଥାଏ ସେଇ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଖରା ହୁଏ ଏବଂ ଗରମ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଡମ୍ଫର ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଜିକେ ଭଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବଳିଆ ଅଠା ଛକଠାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଦିଲୀପ ଚାନ୍ଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଡମ୍ଫର ବାଲି ବୋଝେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ହାତ ମାରିଥିଲେ, ତେବେ ଗାଡ଼ି ନ ଅଟକାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଜିକେ ଭଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଗାଡ଼ିଟା ମାନେ କିଛି ମାନିଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବାର ଇଏରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ହାତ ଠେଲି ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଚକର ଚଢ଼ିଗଲା ଆମ୍ବୁଳିଗଟା ଛକରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଡ଼ିଶା ତଲଦାର ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପିଅନ୍ ଥିଲେ ଶିବଶଙ୍କର ଭଞ୍ଜ। ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ଅଟକ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏବେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଦେଶର ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ, ଯେଉଁଠି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଚାଲିବା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସଂସଦ ଭବନକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଅତି କମ୍ରେ 3ଟି ଭୂତଳ ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଯାଏ ତିଆରି ହେବ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା। ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଏବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ, 2022 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏବେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଦେଶର ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ, ଯେଉଁଠି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଚାଲିବା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସଂସଦ ଭବନକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଅତି କମ୍ରେ
तीनोटी भूतल बा सुडंग रास्ता निर्माण करा योजना करा जाउछि। एही तीनोटी सुडंग रास्ता मध्यरु गोटिए रास्ता प्रधानमंत्री बासभवन एवं आउ गोटिए उपराष्ट्रपति बासभवन को सीधा संजोग करिबो। एहा व्यतीत आउ एक सुडंग संसद सभ्य मानकर चैंबर को संजोग करी निर्माण हेबो। निरापत्ता दृष्टिरु समस्त वीआईपी मानकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइथिबारु सर्वसाधारण रास्तारे जीवा आसीबा करिबा सेमानक पई समसापेक्ष एवं अन्य साधारण नागरिकक पई मध्य असुविधा सृष्टि करिथाय। सेही समस्या को एड़ाइबा पई एपरि प्रस्तुति करा जाइथिबार जणा पडिछि। तेबे सुडंग गुडीक एक थाकिया बा सिंगल लेन विशिष्ट हेबा सहित सुडंग मध्यरे वीआईपीक जीवा आसीबा पई गल्फ कार्ट बा बैटरी चालित छोट गाड़ीर व्यवस्था करा जिवो। सेंट्रल विस्टा प्रकल्प अधीन केवल नुआ संसद भवन नुहे प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक रे नुआ बासभवन एवं एक कार्यालय मध्य निर्माण हेबाकु जाउछि। सेहिपरि नॉर्थ ब्लॉक रे तयारी हेबो उपराष्ट्रपति नुआ बासभवन। तेबे राष्ट्रपति संसद भवन को बेसी जीवार आवश्यकता नथिबारु तांको बासभवन को संजोग करने स्वतंत्र सुडंग तयारी करा जिवार योजना होइनाही। 2019 नुआ संसद भवन निर्माण पई रूपरेख प्रस्तुत करा जाइथिला। समस्त योजना चूड़ान्त हेबा परे 2020 डिसेंबर रे प्रधानमंत्री एहार शिलान्यास करथिले। 2022 मसिया अगस्त मास सुद्धा एहार निर्माण कार्य सरिबा सहित सेही वर्षर मौसुमी अधिवेशन नुआ संसद भवन अनुष्ठित हेबार लक्ष्य रखा जाइछि। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बीजेपी रो मेट्रो म्यान मास्टर स्ट्रोक एथर लड़बे देशर मेट्रो म्यान भाबरे परिचित ई श्रीधरन। मेट्रो म्यान ई श्रीधरन केरल रे भारतीय जनता पार्टी सीएम प्रार्थी हेबे। तेबे किए एई ई श्रीधरन जहां को टाइम मैगजीन हीरो ऑफ एशिया रा आख्या देथिला देखे भाई रिपोर्ट रे। बीजेपी रो मेट्रो म्यान मास्टर स्ट्रोक केरल निर्वाचन पई बीजेपी रो मुख्यमंत्री प्रार्थी घोषणा। एथर लड़बे देशर मेट्रोमैन भावे परिचित ई श्रीधरन। मेट्रोमैन हेबे कि केरल आगामी मुख्यमंत्री मेट्रोमैन ई श्रीधरन केरल भारतीय जनता पार्टी सीएम प्रार्थी हेबे। केरल बीजेपी सभापति के सुरेन्द्र यह घोषणा करिछंती। कि दिन तले ही श्रीधरन बीजेपी रे जोग देथिले। श्रीधरन को नहीं बीजेपी एथर यार केरल विजय अभियान पई रणनीति आरंभ करछि। तेबे किए एही मेट्रोमैन जहांको ने बीजेपी दक्षिण भारत रे पद्म फुटाइबा पई स्वप्न देखुची ई श्रीधरन। पुराना एल्टाउ फालापिल श्रीधरन देश तांको मेट्रोमैन भाबरे जाने। कोलकाता मेट्रो रु दिल्ली मेट्रो पर्यंत तांकर जुगांतकारी अवदान पई से देशव्यापी बेस जणाशुणा। देश रे मेट्रो रिवल्यूशन आनिथिबा श्रीधरन को 2001 रे पद्मश्री एवं 2008 रे सम्मानजनक पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान करा जायथिला। एहा व्यतीत फ्रांस सरकार तांको 2005 मसिया रे चाविले देला लेजियन डी होनर पुरस्कार प्रदान कर सारछि। केवल सेति कि नहि विश्वर टॉप मैगजीन टाइम ई श्रीधरन को हीरो ऑफ एशिया रो आख्या देथिला। तबे सीएम पद रे लढिबा पई मनोनीत हेबा परे श्रीधरन कहिछंती जदि से केरल रो सीएम होंती ताहाले तांको राज्य पई विकास योजना कार्यकारी करिपार एक उत्तम सुजोग मिलिबो एवं मो उपस्थिति बीजेपी को एक भलो छवि देबो एवं अनेक विकासमूलक योजना कार्यकारी करिबा मो पई सहज हेबो। केरल रे बेकारी समस्या और दुर्नीति एवं चरम सीमा रे पहुंची जहां विरुद्ध रे कड़ा पदक्षेप नेबा जरूरी। एभली परिस्थिति रे निजर वैषयिक ज्ञान और अभिज्ञता सहित केरल रे लोकों को सेवा करबा को चाहूची बोली कहिसंती श्रीधरन। सेबडे 140 सीट विशिष्ट केरल रे विधानसभा पई असंता 6 एप्रिल रे निर्वाचन आरंभ हेबो जहार फलाफल मे 2 रे बाहरिबो। तेबे एबे देखिबार बाकी रहिला केरल मार्क्सवादी सरकार को हटाई बीजेपी को केरल जिताई देबे कि मेट्रोमैन। ब्युरो रिपोर्ट आसवा परवर्ती खबर को। राज्य सरकार को ओबीसी कार्ड रो मुखा खोलिले धर्मेंद्र। लोकों को अधिकार पाइ नुहे बरम राजनीति करछंती ओडिसा सरकार। केंद्र लागू करथिबा संरक्षण को राज्य लागू करुनी। ओडिसा रे पछुआ वर्ग को मिलि पारुनी संवैधानिक अधिकार। केंद्र मंत्री को ए बयान को समर्थन करछंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना एवं सुरेश कुमार राउतराय। सेपटे जवाब रखिछि बीजेडी। राज्य सरकार को ओबीसी कार्ड रो पोल खोलिले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहिले तालिका पूर्वरु अछि सुजोग दियो। राज्यर पछुआ वर्ग को न्याय दियंतु ओडिशा सरकार। दया नुहे दरकार अधिकार।
ओबीसी प्रसंग में मुख्यमंत्री को टार्गेट करिसंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। राज्य सरकार पाखरे पूर्वरु तालिका अछि, किछि नुवा कथा करूनाहांती ओडिसा सरकार। ओबीसी को पाई केंद्रीय व्यवस्था रे 10% संरक्षण व्यवस्था रहिछि, आगो ताकु लागू करु राज्य। ओडिसा रे पछुआ वर्ग लोकमानकु तांकर संवैधानिक अधिकार 54% जनसंख्या हबा परे तांकु अधिकार दिया जाउ, जोटे तांकर कहार दया नुहे कहार दान नुहे अधिकार। तीन थर मु माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध कलिनी जे विलंब न करिकि ये रिजर्वेशन को लागू करा जाउ। ओडिशा सरकार के पक्षे गोटे 210 पछुआ जाति किए यार गोटे तालिका अच्छी, एमती नुहे कि ए प्रकार गोटे बुझेवा चेष्टा करा जाउची जे जिमती ओडिशा रे पछुआ वर्ग तालिका नाही। केन्द्र मंत्री का प्रतिक्रिया परे आरंभ होइछि राजनीति बयानबाजी। नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना कहिछन्ति ओबीसी कमिशन गठन करिछि कि एहाकु नै राजनीति न हेउ, सुप्रीम कोर्ट रे संरक्षण पई लड़ाई करंतु, अदालत 50% भितरे संरक्षण सीमित रखिबाकु कहिछन्ति। ओडिशा रे ओबीसी कमिशन गठन करिछि कि तेउ करि से ओबीसी को नै कि राजनीति न करंतु, तांको अधिकार को दबा पई से सुप्रीम कोर्ट रे प्रथमे लड़ंतु कि तांको रिजर्वेशन जो खसु जाउची सेति पय आगे लड़ंतु। प्रताप को बयान को काटिछंती कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता श्रीकांत जेना। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश परे गठन होईछि कमिशन। सरकार जति कि संरक्षण देवा कथा देइनहंती 21 वर्ष हला सर्वे करूछंती। मुख्य समस्या रु दृष्टि हटेबा पई राज्य सरकार करे चक्रांत। ओबीसी एससीबीसी जति कि प्रतिवाद करबा कथा सेति कि करूनहंती। जनता को भुआ बुलाउछंती ओडिसा सरकार। शिक्षा क्षेत्र में कहीं ओबीसी पिला डाक्तरी इंजीनियरिंग पढ़ी पारे ना, केन्द्र सरकार 27% संरक्षण देउछंती, सरकार कहीं लागू करूना। गवर्नमेंट डेलीबरेटली ए कार्य को करूना गत 15 वर्ष धरी मैं जाऊना सुप्रीम कोर्ट, जहाँ रिजन किसी ना रिजन हो मानसिक जे आमे ओबीसी के दबु ने कोनसी प्रकार आड़ देखाई 50% रो हाई कोर्ट मना कर देला। अरे बाबू सुप्रीम कोर्ट कहि जे यू गो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट निजे कहि जे विशेष परिस्थिति रे 27% लागू करा जाई पारिबो एबा 50% को तमे क्रॉस करि पारिबो जदी से राज्य रे एको विशेष परिस्थिति थेबो। ए ओडिसा रे विशेष परिस्थिति होउछे आमे एससी एसटी पॉपुलेशन होउछे अधिका। ओडिसा गवर्नमेंट कमिशन गठन करि नै ओडिसा गवर्नमेंट जेतेबेले सुप्रीम कोर्ट रे निष्पत्ति हला जे प्रत्येक राज्य रे गोटे गोटे ओबीसी कमिशन बसिबो एवं केन्द्र रे गोटे ओबीसी कमिशन रहिबो, तांकर ड्यूटी हला एक्सक्लूजन एंड इनक्लूजन। एबे जेतेबेले नेशनल कमिशन कहला जे तमे काई कमिशन करनो आज पंद दाडी डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडु बाध्य हला गोटे कमिशन करिया पे फॉर्म ही बर्तन सुदा कमिशन तयार करने तमे कोन मे मास रु आरंभ करियो बोली खबर काज रे हेडलाइन पाया पई ओडिसा सरकार करूछंती किंतु तार अर्थ किजे नाही। सेबडे धर्मेंद्रक समर्थन रे आसीछंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश राउत राय। ओबीसी को 27% संरक्षण मिलबा दरकार, अधिकांश चासी एही वर्ग रे आसुछंती, राज्य सरकार लोकों को भुआ बुलाउछंती। प्रकृत रे धर्मेंद्र जेउटा कहिछि ठीक कहिछंती, से मंत्री हिसाब रे हंतु बा हमर ओबीसी लोक हिसाब रे जहा कहि ठीक कहिछंती। आ तमे 27% आ मु काई के पाठ पढिला एडमिशन दे दबनी समस्या कोटा अछि। ओबीसी जाति एबलु मेन चासी चाष करछंती ओबीसी वाला मेजॉरिटी 90% ए देश को चलाउछु आमे, तमु खाद्य जोगाउछु आमे, तमे वंचित छ मो पई ओबीसी भाई मान को पई पूर्वरु ओबीसी प्रसंग रे तीन थर मुख्यमंत्री को अनुरोध करथवा कथा कहिसंती धर्मेंद्र, किंतु आज भी ओडिसा रे पछुआ वर्ग को मिलुनी सांविधानिक अधिकार। जनता को भुआ न बुलाई राज्य सरकार शीघ्र पदक्षेप नेबा को दाबी करिसंती केंद्र मंत्री। भुवनेश्वर रोशन रथंक सह दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज प्रभात पुरुष स्वर्गत विजु पट्टनायक जन्म जयंती। महान नेता जन्म वार्षिकी सह नवीन पट्टनायक बीजेडी सरकार 20 वर्ष पूरण करुछे। एभली मुहूर्त को स्मरणीय करने विजु जनता दल पक्ष व्यापक आयोजन कर 15 दिन धरी विजु जयंती पालिबा कार्यक्रम प्रस्तुत होछि। विजु बाबू प्रदर्शित मार्ग में ओडिशार विकास यात्रा संपर्क में जनसाधारण को अवगत करने स्वाधीनता संग्राम रथी मान अवसर में श्रद्धाजलि दिजा। 15 दिन धरी राज्यव्यापी विजु जयंती रे दलर महिला युव एवं छात्र संगठन जरिया रे विभिन्न कार्यक्रम करा जिवो। विजु बाबू सब बेले गांव को
काम माँ को सम्मान कथा कहते विजु बाबूंर यह आदर्श को पाथेय करे मार्च 8 तारीख आंतर्जातीय महिला दिवस ठारु महिला मान सम्मेलन आयोजन करा जाय छे। विजु बाबू भारत रत्न मिलवा पूर्व डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को मिलु भारत रत्न एपरी कही पुणी थे चर्चा को आसुचार कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार राउतराय गोटे पटे विजु बाबू जयंती पालन बीजेडी तृणमूल स्तर राज्य स्तर पर्यंत जोरदार प्रस्तुति करुवा बेले पुणी थे विजु बाबू भारत रत्न दि जाऊ दावी करजेडी विजु बाबू नुहे प्रथम हरेकृष्ण महताब को भारत रत्न मिलु महताब पाइबा एक नंबर थिबा बेले दुई नंबर अछंती विजु बाबू तेणु प्रथमे महताब बाबू और तापर विजु बाबू को भारत रत्न मिलु बोली कही राजनीति में हटचमट सृष्टि करछि कांग्रेस जहाँ बीजेडी कांग्रेस मुहांमुही होती विजु पट्टनायक 105तम जयंती पूर्व विजु को भारत रत्न देवा दावी उठाई बीजेडी विजु जड़े सफल और साहसी जननायक होता बेले भारत सह अन्य देश में से लोकप्रिय बीजेडी हेले बीजेडी ए दाबी को विरोध करछि कांग्रेस महताब को उपरे विजु बाबू की बोली कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय प्रश्न करिबा सह गड़जादा मिश्रण रे महताब को बड़ भूमिका थिबारु प्रथमे तांको भारत रत्न दिया जाउ बोली दाबी करछि कांग्रेस समस्त सब लेवल दावी कर विचार को ना निहाती दरकार विजु बाबू सम्मान पा गोटे नेता जातीय स्तर में तीन हजार देश में पता पत्र एमटा जातीय नेता आज विरल अच्छा भारत बर्ष मटी से हूँ विजु बाबू खाली ओडार गर्व नुह भारत बर्ष गौरव आंतर्जातिक स्तर गौरव से सम्मान निहाती निहाती हवा जरूरी आग महताब निहताब आगे विजु बाबू अरे बड़ छी जो गड़ मिश्रण कर महताब आए महताब जो अच्छा आग पाइना विजु बाबू कौन पाइबे सेकेंड मैन से फास्ट डॉक्टर हरेकृष्ण महताब सेपटे बीजेडी राज्य स्तर ठारु आरंभ करी पंचायत स्तर पर्यंत विजु जयंती को भिन्न ढंग से पालन पाई दल सबु प्रस्तुति करछे निर्वाचन मंडली स्तर में बीजेडी कार्यकर्ता और कर्मी माने बैठक करी बीजेडी सरकार जनकल्याणमूलक कार्यक्रम लोकों को बुझाइबे एथिसहित विजुंक आदर्श से अनुप्राणित हो दल पक्षर निया योजना को लोकों पाखे पहुंचाइबा को योजना होछि प्रशासन को स्वच्छ करने को 5T और मो सरकार सह कोविड रो सफल मुकाबला कथा लोकों पाखे पहुंचाइबा को मुख्यमंत्री निर्देश देते अंपक्षे ए प्रसंगे बीजेपी कही विजु बाबू को भारत रत्न दावी करिपारे किछि असुविधा नहीं किंतु भारत रत्न पाई चयन कमिटी ही ए संपर्क में निष्पत्ति नेब यथार्थता थाई पारे जमने दावी करवा उचित से फॉर्म जो सिलेक्शन कमिटी अच्छे से कमिटी जी उपयुक्त मन कर जड़े ओडार मुख्यमंत्री थिले तबे प्रश्न विजु नाँ गठन करा बीजेडी भारत रत्न दावी करने भितर अन्य महापुरुष को भूली जावा केते जुक्तियुक्त भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन और प्रदीप दिव्यज्योति महंती और रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज नजर पकड़ एक बड़ खबर उपर अंजना मिश्र गण दुष्कर्म मामलें जहां सूचना रही कि विबन को नहीं घटनास्थल सीन रिक्रिएशन करुछे सीबीआई कौन थिला से दिन घटना बारंग अंचल घटनास्थल को नहीं सीन रिक्रिएशन करुछे सीबीआई सेपटे केमिति थिला से दिन घटना सब देखाउछि विबन बोली जहां सूचना रही तबे संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित भुवनेश्वर फोन लाइन जोड़ना प्रतिनिधि संतोष चना संतोष टीआई परेड सरीथिला एवं अंजना मिश्र मध्य विबन को चिन्ह पारिथिले वर्तमान जा सूचना आसी पहुंचुछि कि विबन को नहीं घटनास्थल रे सीन रिक्रिएशन करुछे सीबीआई देख निश्चित विश्व बर्तमान बर्तमान समय ताजा खबर रोचे कहीं समस्त नजर था भोर भोर ही सीन रिक्रिएशन हो पाए अर्थात भोर समय सीबीआई घटनास्थल को नहीं पारे से सीन रिक्रिएशन हबार आशा रखाई सामान भाव घटना ठीक घटी सीबीआई सीन रिक्रिएशन करने को लेकिन को पुणी थे से बुदा अंचलिया जंगल और जो जगह को से नहीं जा जगार अग गोटे जगह अच्छी अर्थात से जगार आउ गोटे बाट अच्छी किंतु सी से अणओसारिया जंगल बाट देखा पुणी थे से 22 वर्षर प्लानिंग प्रोग्राम उपर सब सत ओगला जाए मुहर एवं से पूरा स्पष्ट भाव में सीबीआई को कोअपरेट कर सबू कथा जनईसी पाखापाखी
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭୋର 5:45-6:10 ସମୟ ହେବ ଏହା ଭିତରେ ସିବିଆଇ ସହିତ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାରେ ହିଁ ତାର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିବିଆଇ କୁ କୋପରେଟ୍ କରି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ବିପନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନା ଭିତରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ସିବିଆଇ ର ଜଣେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନର ଘଟଣା କିଭଳି ଥିଲା, ତା ସହିତ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ବାଟରେ କାର୍ଟିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ବନ୍ଧୁକ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ସିଏ ପୁରା ସିବିଆଇ ଆଗରେ ବଖାଣିଛି ଏବଂ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରୁ ସତ ଓଗାଳିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଏ ସକାଳର ସବୁଠୁ ବଡ ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ରଖାହେଇଥିଲା ସତରେ ସେଇଆ ହେଲା, ବାରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ଠୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରି ସତ ସବୁ ଆଦାୟ କରାହେଇଛି। ବିଶ୍ରୀ ତଳର ଘଟଣା କିଭଳି ଥିଲା ସେ ସବୁକିଛି ଟିକନିକ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ବିବନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ରଖିବା ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।